वक्त एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो उनके रिलीजन्स उनके रिचुअल्स में एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है, वो लोग ऑर्थोडॉक्स नैरो माइंडेड लोग थे, इसीलिए वो लोग कोई भी नई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। तो मैनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग, तब के समय के बाद ये जो लीडर्स थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें चेंजेस करने की कोशिश की, तब मुस्लिम कम्युनिटी ने एक माइंड बनाया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन सीखना चाहिए। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वहाबी मूवमेंट, उन्होंने जो वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया था उससे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इंग्लिश एजुकेशन सीखने के लिए मतलब इन्फ्लुएंस हुए। और वेस्टर्न कल्चर जो है वो क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर में कैसे होता है, उससे भी वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ग्रो करने के लिए मतलब वेस्टर्न कल्चर्स में आगे बढ़ने के लिए वो इन्फ्लुएंस हुए। हाउएवर, ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ द उलेमा, जो कि तब के समय में मुस्लिम कम्युनिटी के मतलब लोगों के माइंड जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, नैरो माइंडेड थे, वो जल्दी कोई भी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, तो तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जो इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर्स और सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म्स मतलब जितने चेंजेस हो रहे हैं रिगार्डिंग द सोशल सोसाइटी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब वो लोग उसमें पार्ट नहीं ले रहे थे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो विद द चेंजेस। तो ऐसे जो लोग थे वो एक्चुअली में सेटिस्फाइड नहीं थे, वो लोग रह गए। बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन भी सीखा, वेस्टर्न कल्चर क्या होता है वो भी सीखा अंडर द वहाबी मूवमेंट। जिन लोगों की माइंड थिंकिंग जो थी वो पुरानी थी, ऑर्थोडॉक्स मतलब नैरो माइंडेड, बहुत ही पुरानी सोच, उन लोगों के फैमिली के मेंबर्स तो थे, ऐसे बहुत सारे मेंबर थे मुस्लिम कम्युनिटी में जो इंग्लिश एजुकेशन और नए कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और वो लोग इंग्लिश एजुकेशन न सीख पाए न वेस्टर्न कल्चर में ज्वाइन हो पाए, इसीलिए वो लोग रह गए। सो दैट इज व्हाई द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड सब्सिक्वेंट राइज ऑफ मिडिल क्लास वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इस वजह से बोला जाता है कि इंग्लिश एजुकेशन जो मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया, मिडिल क्लास फैमिली मतलब जो जो ऐसी फैमिलीज थी, दोज हु आर नॉट रेडी टू ज्वाइन एंड नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरे लोगों की तरह, क्या हुआ बेटा, एनी एनी डाउट, एनी इश्यू? ऐसे बहुत सारे लोग जो इंग्लिश एजुकेशन, मिडिल क्लास लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, संतोष उनको नहीं था। क्यों? क्योंकि ना वो इंग्लिश सीख पाए और ना वेस्टर्न कल्चर के बारे में जान पाए। ठीक है, तो वो लोग रह गए, इसीलिए उनको संतोष नहीं था क्योंकि वो सीख नहीं पाए। चलो, थर्ड पैराग्राफ। बेटा रीड इट। सर सैयद अहमद खान वॉज बोर्न इन अ एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल वेट वेट वेट, इट्स एरिस्टोक्रेटिक। फैमिली ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही वॉज सर्वाइव द ईस्ट इंडिया कंपनी एज एम्प्लॉयर एज and had remained loyal to the company after he retirement in 1967 CE. He went to England and was influenced by the liberal ideas. The liberal ideas of the West. He advocated idea of acquiring the English education as a means to reform the Muslim community of its orthodox attitude and backwardness. Okay, stop it. सर सैयद अहमद खान, अब ये सर सैयद अहमद खान जो थे वो कौन थे? तो फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन में दिया है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के। वो कहाँ से थे? वो उत्तर प्रदेश से थे, फ्रॉम द
रायबरेली सिटी, ठीक है, वो यूपी के स्टेट से थे, और ये जो लीडर थे उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने ऐसे कौन से चेंजेस लाए, वो कौन से एक्टिविटीज कर रहे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ही बेनिफिशियल थी, और 19th सेंचुरी के बाद वो ब्रिटिशर्स के सामने खड़े होने के लिए उनको मतलब उनके लिए वो एक्टिविटीज जरूरी थी। तो सर सैयद अहमद खान वॉज बोर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। वॉट इज द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मतलब एक ऐसी फैमिली जो जल्द ही मतलब चेंजेस एक्सेप्ट कर लेती थी, दोज हु आर रेडी टू गो विद द न्यू न्यू जनरेशन, न्यू सेंचुरी, न्यू न्यू कल्चर, ओके, न्यू चेंजेस। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली जो होती है वो जल्दी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करती है। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच के लोग, ये एरिस्टोक्रेटिक मतलब नई सोच की, नई सोच के लोग, ठीक है, कुलीन फैमिली जो कोई भी चेंजेस जल्दी रेडी टू एक्सेप्ट कर लेती है। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो ऐसी अच्छी फैमिली से थे। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 के लड़ाई के वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एम्प्लॉय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी का नाम है जिसमें वो एम्प्लॉय मतलब जॉब करते थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। एंड ही हैड रिमेन्ड लॉयल टू दिस कंपनी, मतलब वो बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय के नाम से जाने जाते थे, और कंपनी के तरफ से वो बहुत ही लॉयल्टी से काम करते थे। फिर 1869 में वो रिटायर हो गए। आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1869 ही वेंट टू द इंग्लैंड एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट। सबसे पहले 1857 में वो एज ए एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी काम करते थे, फिर 1869 में उनका रिटायरमेंट हुआ, वो रिटायर हो गए। तो जैसे ही वो कंपनी से रिटायर हो गए वो कहाँ चले गए? तो भाई इंग्लैंड चले गए। क्यों? क्योंकि ही वॉज रियली इन्फ्लुएंस अबाउट द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट। वेस्ट मतलब वेस्टर्न कल्चर। अब सर सैयद अहमद खान जो थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस मतलब उनको बहुत ही इंटरेस्ट था वेस्टर्न कल्चर के बारे में सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ही लिबरलाइजेशन था। लिबरल मतलब क्या कि बहुत ही आजादी का देश था। ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग द इंग्लिश एजुकेशन एज अ मीन टू रिफॉर्म द मुस्लिम कम्युनिटी अब ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड एंड बैकवर्डनेस। उनको यहाँ वहां के इंग्लैंड की चीजें देख के, इंग्लैंड का कल्चर देख के एक ऐसा आइडिया आया कि भाई मुझे भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो पुरानी सोच है, जो बैकवर्ड मतलब जो लोग अभी पुराने जमाने में जी रहे हैं, जो अभी पीछे हैं बहुत कंपेयर टू वेस्टर्न कल्चर आज के जमाने के हिसाब से, मतलब तब की बात है। वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड का कल्चर देखा, वहां को कल्चर देख के उनको ऐसा लगा कि हमारे कंट्री में मुस्लिम कम्युनिटी तो बहुत ही पीछे है अगर इन लोगों के साथ कंपेयर करें तो। क्यों? क्योंकि उन लोगों की सोच अभी बहुत पुरानी थी। तो उनको ऐसा आइडिया आया क्यों ना सबसे पहले इंग्लिश सिखाना सबको स्टार्ट करना चाहिए हमारी कम्युनिटी में। जैसे ही वो लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट लेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे उनकी पुरानी सोच का जो एटीट्यूड है, जो वो पीछे रह गए वो शायद ही कम हो जाए। तो लेट्स टेक वन चेंज इन मुस्लिम कम्युनिटी, ओके। तो उन्होंने एक चेंज लेना स्टार्ट कर दिया कि भाई हर एक मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी इंटरेस्टेड है उसको इंग्लिश एजुकेशन देना है। चलो यू कैन रीड इट बेटा। You can read from he started a magazine namely Tehzeeb ul Akhlaq in 1870 CE. He established the Aligarh Muslim College in 1875 CE, which is known as the Aligarh Muslim University. Today he translated the book of English literature and Hindi in Urdu language and tried to make the Muslim familiar with the branch of knowledge from the West. आगे दिख नहीं रहा है, आपका नाम आ रहा है, क्या दिख नहीं रहा है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही है?
आप दिख रहे हैं, अपोज द वैली सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट एजुकेशन फॉर दिख रहा है गर्ल्स एंड विंडो री मैरिज विंडो नहीं, अरे विंडो नहीं विडो नहीं, विंडो विंडो अरे तो क्या मैं से क्या कर रहा है। चलो ओके, तो सर सैयद अहमद खान ने जो जो चेंजेस लाने की कोशिश की थी उसमें सबसे पहला चेंज था कि वो इंग्लिश एजुकेशन सबको सिखाना चाहते थे, अपनी कम्युनिटी के लोगों को मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना चाहते थे। अब इंग्लिश क्या है अब के जमाने में कॉमन है, बट स्टिल अगर हम एब्रोड जाएंगे ना तो वहाँ की इंग्लिश, हर एक कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज होती है, जर्मनी में जर्मनी लैंग्वेज होती है, फिर अगर आप यूक्रेन जाओगे तो वहां की इंग्लिश अलग होगी, मतलब एब्रोड में जितने भी कंट्रीज है हर एक की लैंग्वेज अलग होती है। कंपेयर टू अगर हम वहां पे जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश और वहां की इंग्लिश में बहुत ही चेंजेस होगा। बट तब के जमाने में 19th सेंचुरी के वक्त किसी को भी इंग्लिश लैंग्वेज क्या वो पता ही नहीं थी। नो डाउट ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज जो है, इंग्लैंड के अंग्रेज इंडिया पे अपना हुकूमत जमाना चाहते थे, अपना शासन चलाना चाहते थे, तो हमको अगर उनके सामने आजादी के लिए खड़े रहना था तो वी शुड लर्न अ इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहला स्टेप लिया, जो चेंज उन्होंने लाया वो मुस्लिम कम्युनिटी में ये था कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए सबको बहुत ही इन्फ्लुएंस किया कि भाई इंग्लिश सीखना जरूरी है। अब दूसरा चेंज क्या था कि ही स्टार्टेड अ मैगजीन, उन्होंने एक मैगजीन बाहर पब्लिश की, कौन से ईयर में, तो भाई 1870 में। उस मैगजीन का नाम था तहजीब उल अखलुक। ठीक है, ही एस्टैब्लिश द अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। अब जैसे ही लोगों ने इंग्लिश के लिए हाँ बोल दिया, मतलब जो लोग थे वो मतलब सर सैयद अहमद खान अपने कम्युनिटी के लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहते थे, तो उन्होंने सबसे पहले एक मैगजीन बाहर पब्लिश की। फिर तो दूसरा उन्होंने क्या किया, 1875 के ईयर में उन्होंने एक मुस्लिम कॉलेज बनाया जो एक्चुअली आज भी सिचुएटेड है कहाँ पे, अलीगढ़ में, विच वॉज नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इवन टूडे। मतलब अगर आज भी आप सर्च करोगे ना तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलेगी, ये स्पेशली सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए कॉलेज बनी थी। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश मतलब वेस्टर्न कल्चर की जो बुक्स थी, इंग्लिश लिटरेचर जो थे एंड साइंस, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस की जो बुक्स थी उन्होंने वो अपनी लैंग्वेज, मुस्लिम कम्युनिटी की मोस्टली लैंग्वेज होती है उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, तो उर्दू लैंग्वेज में सारी बुक्स ट्रांसलेट की एंड ट्राइड टू मेक द मुस्लिम फैमिलियर विद द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज फ्रॉम द वेस्ट। अब कोई भी बंदा ऐसे ही पहले ही जिसको इंग्लिश आता ही नहीं है वो वैसे तो बुक पढ़ नहीं सकता, कॉमन है कि भाई अगर उसको इंग्लिश ही नहीं आता है तो 19th सेंचुरी की बात है, तब के जमाने में, आज 21st सेंचुरी है, तो 19th सेंचुरी में लोग इंग्लिश क्या वही नहीं जानते थे, तो अगर हम लोग इंग्लिश की बुक्स यहाँ पे लाएंगे, मतलब इंग्लैंड की बुक्स यहाँ पे लाएंगे तो स्वाभाविक है कि किसी को भी पढ़ना आएगा ही नहीं, नो वन कैन रीड दैट बुक। तो सर सैयद अहमद खान ने एक आइडिया सोचा कि जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस की बुक्स हैं, वो जितनी भी बुक्स वहां से लेके आए थे उन्होंने क्या किया, वो सारी बुक्स अपनी लैंग्वेज में मतलब की। अब क्या था कि उस सारी बुक्स में है ना रिगार्डिंग मतलब वेस्टर्न कल्चर के नॉलेज की बुक्स थी, सारी लिटरेचर्स थी, तो उन्होंने वो ट्रांसलेट कर लिया उर्दू में, जैसे कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं मतलब उनके कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ पाए और वो पढ़ के एटलीस्ट वेस्टर्न कल्चर होता क्या है उससे वो जान पाए, उनको नॉलेज मिले कि व्हाट वाज द वेस्टर्न कल्चर। ऐसा भी कोई देश है जहाँ पे लिबरलिटी है, जहाँ पे पूरा वेस्टर्न कल्चर है? ठीक है, ही ओपोज टू द वेल सिस्टम। अब सर सैयद अहमद खान जो थे वो कुछ कुछ यहाँ की प्रथा जो थी, मतलब यहाँ की जो चीजें थी मुस्लिम कम्युनिटी में जो रिचुअल्स थे, जो प्रथाएं थी, उनके खिलाफ थे। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें, तो फर्स्ट वन वॉज ही ओपोज द वेल सिस्टम। वेल सिस्टम मतलब क्या, बुरखा प्रथा। अब मुस्लिम कम्युनिटी में यू ऑल नो कि बुरखा सिस्टम होता है, एक 13 ईयर्स की एज के बाद गर्ल्स और लेडीज जो होती है उनको
कंपलसरी बुरखा बाहर पहनना ही होता है। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो बुरखा प्रथा के बहुत ही खिलाफ थे। एंड सेकेंड वन वॉज चाइल्ड मैरिज, बहुत ही कम उम्र में मैरिज कर लेना, उसके भी खिलाफ थे सर सैयद अहमद खान। एंड एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विडो री मैरिज। अब दूसरी कौन सी चीजों थे वो खिलाफ थे कि भाई जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ज्यादा तब के समय में पढ़ना अलाउड नहीं था, ठीक है। और जो थी चीज है विडो री मैरिज, मतलब क्या कि एक लेडी है जिसका मतलब हस्बैंड जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी फिर से मैरिज नहीं हो सकती। तो ये चार चीजें हैं जो प्रथाएं थी मुस्लिम कम्युनिटी के, बुरखा प्रथा, चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन टू गर्ल्स एंड विडो री मैरिज। ये चारों के चारों जो मुस्लिम कम्युनिटी के सिस्टम थी, तब के जमाने में रिचुअल्स थे, ट्रेडिशन थे, प्रथाएं बोले जाती है, सर सैयद अहमद खान तब के जमाने में ये सारी प्रथाओं के खिलाफ थे, उनको बहुत ही नापसंद थी ये प्रथाएं, ठीक है। चलो कौन रीड करेगा, सिख कम्युनिटी पहले तो ये कोई भी टॉपिक में। मैं मैरिज करूं? हाँ बेटा आप रीड कर। सबसे पहले आई वांट टू आस्क कि किसी को कुछ डाउट है, एनी सेंटेंस, एनी वर्ड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो प्लीज आस्क एनी डाउट बॉयज। नो मैम। ओके चलो वी स्टार्ट विद द सिख कम्युनिटी। चलो रीड करो बेटा। सिख कम्युनिटी, द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द सिख कम्युनिटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, प्रबंधक कमेटी वॉज फाउंड विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिओर्गेनाइज द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिमूव द एविल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द गुरुद्वारास टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिक्स खालसा College in Amritsar was established along with many other schools. Okay. We are learning about the Sikh community. The reforms. पहले हमने जो पढ़ा था ना वो कौन सी कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रिफॉर्मेशन मुस्लिम कम्युनिटी जितने भी चेंजेस होने वाले थे मुस्लिम कम्युनिटी में, कौन से ऐसे लीडर थे, कौन से कॉलेज बनाई गई, क्या क्या एक्टिविटीज दी गई, कौन सी बुक पब्लिश की गई, तो ये सब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था। अब जो हम कम्युनिटी बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर ही है सोशियो रिलीजियस, हमारी मतलब रिलीजियंस मतलब अलग अलग कास्ट अलग अलग रिलीजन, ठीक है। तो हमने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सिख कम्युनिटी। तो द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी, अभी हमने जो लास्ट टॉपिक तक पढ़ा ना इंट्रोडक्शन से, जितने भी चेंजेस हुए 19th सेंचुरी में, सबसे पहले तो मुस्लिम कम्युनिटी में जितने चेंजेस हुए, उससे पहले राजा राम मोहन रॉय ने जो प्रथा चेंज की, फिर दूसरे स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी एक्टिविटीज की, रामकृष्ण परमहंस ने अलग अलग मूवमेंट्स की, अलग अलग चेंजेस लाए, तो ये जितने भी सारे चेंजेस है ना वो देख के सिख कम्युनिटी को भी ऐसा लगा कि हम वो लोग भी इन्फ्लुएंस है कि भाई इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, लोग इतने सारे चेंजेस अपना रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी के लिए भी हमको चेंजेस अपनाने चाहिए। तो फर्स्ट लाइन में यही लिखा है, द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिख कम्युनिटी। मतलब जितने भी चेंजेस रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस हुए 19th सेंचुरी के वक्त, उसमें सिख कम्युनिटी के लोगों को भी अट्रैक्ट किया, उनको भी ऐसा लगा, इन्फ्लुएंस किया भी नहीं, हमें भी चेंजेस अपनी कम्युनिटी में लाने चाहिए। तो अब चेंजेस लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई। तो कमेटी का नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है। वो कमेटी तो बनी, कमेटी मतलब क्या कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें लीडर होते हैं, नंबर ऑफ पीपल होते हैं, वो एक ग्रुप बन के कमेटी बन के बैठ के अपने कम्युनिटी में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, व्हाट शुड वी हैव टू अडॉप्ट, व्हाट इज अ गुड फॉर अवर कम्युनिटी, वो सारे डिसीजन लेते हैं और प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है।
तो बॉयज यू कैन पॉइंट नोट डाउन दिस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मतलब सिख कम्युनिटी में ये एक कमेटी बनी थी, ये कमेटी का नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड इवन द ऑब्जेक्टिव, तो इस कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिकॉग्नाइज द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिमूव द इविल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द गुरुद्वारास। अब तब के जमाने में क्या था कि सिख कम्युनिटी जो थी वो गुरुद्वारे में, सिख कम्युनिटी जो थी वो गुरुद्वारा में सिर्फ ओनली रिलीजियस, मतलब अपने रिलीजन के लोगों के लिए ही सब कुछ करती थी। मतलब दे डोंट अलाउ अनदर कम्युनिटी, अनदर रिलीजन टू कम कम इन गुरुद्वारा, मतलब गुरुद्वारा में आए और वहां पे एक्टिविटी करें। ओनली गुरुद्वारा, मतलब सिख कम्युनिटी, सिख लोग ही वहां पे रहते थे, सिख लोग ही वहां पे अपनी ट्रेडिशंस फॉलो करते थे और किसी और को अलाउड नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सबसे बड़ा चेंज ये आया कि उन्होंने जो ये कमेटी बनाई उसमें पहला स्टेप, पहला डिसीजन ये लिया कि ये जो इविल प्रैक्टिसेस है वो उन्होंने बंद कर दी। मतलब अलग, एनी वन कैन कम टू द गुरुद्वारा, कोई भी आ सकता है, कोई भी यहाँ पे अपनी एक्टिविटी कर सकता है, यहाँ पे आके कोई भी पाठ, मतलब गुरुद्वारा में बैठ के कुछ भी बुक पढ़ सकता है, मतलब एनी वन, किसी भी रिलीजन के बंदे को अलाउड है, ठीक है। मतलब इन्होंने सब फर्स्ट स्टेप ये लिया कि वी ऑल आर अ वन, उन्होंने यूनिटी दिखाई कि हमारे लिए सब कम्युनिटी एक समान है, ठीक है। तो टू रिकॉग्नाइज द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और उनके जो रिलीजन है, सिख कम्युनिटी के जो रिलीजियस की एक्टिविटीज है वो वहां पे की जाएंगी गुरुद्वारा में। टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिख, खालसा कॉलेज इन द अमृतसर वॉज एस्टेब्लिश अलॉन्ग विद मैनी अदर स्कूल। अब जैसे मुस्लिम लोगों ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज बनाई थी जिसका आज भी जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, वैसे सिख लोगों ने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए, वेस्टर्न कल्चर देने के लिए अपनी सिख कम्युनिटी को, अपने सिखों को उन्होंने खालसा कॉलेज, कॉलेज का नाम क्या था, खालसा कॉलेज बनाया, जो अमृतसर में बनाया गया था। और बाकी दूसरे अलग 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 जगहों पे उन्होंने बहुत सारी स्कूल्स बनाई, ठीक है, जिसमें वो लोग इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे अपनी रिलीजियस के लोगों को, सिख लोगों के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए। ओके बेटा, एनी डाउट बॉयज? चलो, नो मैम, नो मैम, कंटिन्यूइंग विद अनदर टॉपिक, दैट इज पारसी कम्युनिटी। अब पहले हमने मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ा, फिर सिख कम्युनिटी पढ़ा, अब हम पारसी कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलो रीड इट बेटा। पारसी कम्युनिटी। द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश रहनुमा ए मजदयस ने सुबह इन 1851 फॉर सोशल रिलीजियस reform movements and Dada Bhai Nauroji was the leader of the Sabha. This Sabha has started a periodically, namely Rashtra Gupta. It gave an impetus to the reform movements and carried out work for awakening of the Parsi. Paris Parsis K.R. Kama and Bhairanji Malbari also contributed in the social religious reforms. Kama laid emphasis on the propagation of education and Malbari emphasis on women empowerment. They opposed child marriage and encouraged widow remarriages. Due to the efforts of Mehari, the government passed a law fixing the minimum ago for marriage in 1891 CE. अबे मिनिमम अगो नहीं था, मिनिमम एज था। एज रखो, मिस मेरे को रखना थोड़ी है, मेरे को, मेरे पास तो टेक्स्ट बुक है, मेरे को नहीं रखना है कुछ। हमारे पास ये ना सिस्टम, हमसे गलती होती है, आपसे नहीं होती। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, आई जस्ट करेक्टेड, आई जस्ट करेक्टेड यू बेटा। आप अगर ऐसा चाहते हो तो मैं आपको करेक्ट ना करूं, आपको इतना बुरा लग गया।
बुरा कुछ नहीं लगा है। चलो बेटा ओके चलो वी आर स्टार्टिंग चलो वी आर स्टार्टिंग विद द पारसी कम्युनिटी। ठीक है अब हम पढ़ेंगे, इतना तो पता चल गया ना कि भाई रिलीजन अलग अलग होती है, तो हमने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, सिख कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, अब हम पारसी लैंग्वेज मतलब पारसी कम्युनिटी पर्शियन लैंग्वेज जो होती है पर्शियन लोग के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों ने 19th सेंचुरी के बाद उनको ऐसा क्या क्या लगा कि उनको भी अपनी कम्युनिटी के लिए चेंजेस लाने चाहिए। तो द फर्स्ट लाइन वॉज द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश। अब उन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया मतलब इंग्लिश एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें पारसी यंगस्टर जो थे जो इंग्लिश पढ़ रहे थे, पारसी यंगस्टर मतलब पारसी लैंग्वेज के टीनेजर मतलब यूथ, ठीक है जो यंगस्टर हैं उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया मतलब उन्होंने अपनाया इंग्लिश एजुकेशन को एंड एस्टैब्लिश्ड रहनुमा ए मजदियासन सभा मतलब उन्होंने एक सभा बनाई ठीक है 1851 में, जिसमें वो जितने भी चेंजेस है रिगार्डिंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स उसको वो डिस्कस कर पाए, उनके बारे में वो क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, क्या क्या लोगों को सिखाएंगे, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे अपनी पार्शियन कम्युनिटी के लोगों को, वो सारे चेंजेस वो सभा में डिसाइड कर सके। ठीक है हर एक कम्युनिटी के ने अपने अपनी अपने हिसाब से कोई कमिटी बना रहा है, कोई लीडर्स हैं जो लीडरशिप मतलब लीडर ऑफ ग्रुप हैं, किसी ने वहां भी मूवमेंट स्टार्ट किया। तो पार्शियन लोगों ने क्या किया, एक सभा बनाई जिसका नाम था रहनुमाए मजदियासन ठीक है, और वो बनाई 1851 में, जिसमें वो लोग जितने भी अपने कम्युनिटी के चेंजेस करने वाले थे वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। और इस कम्युनिटी इस सभा का जो लीडर है उसका नाम है दादा भाई नवरोजी, जो लीडर है वो सारे सारे ग्रुप ऑफ सभा के लोगों को लीड करेंगे मतलब उनका जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा ठीक है। सो दादा भाई नवरोजी वॉज द लीडर ऑफ दिस सभा। दिस सभा हैड स्टार्टेड अ पीरियडिकल नेमली राष्ट्रगोष्ठी, उसने एक मतलब क्या बोलते हैं एक एक्टिविटी स्टार्ट की जिसका नाम था राष्ट्रगोष्ठी। अब इसमें होता क्या है तो ये नीचे दिया गया है कि इट गिव एन इम्पेटस टू द रिफॉर्म्स मूवमेंट्स एंड कैरीड आउट वर्क फॉर अवेकनिंग ऑफ द पारसीज, मतलब ये जो नाम दिया गया है एक एक्टिविटी का नाम है राष्ट्रगोष्ठी, इसने क्या किया बहुत ही स्पीडीली पारसी कम्युनिटी में चेंज आ गए मतलब स्पीडीली मतलब उसकी गतिविधि मतलब जो चेंजेस आने वाले थे मतलब इंग्लिश एजुकेशन सीखना, वेस्टर्न कल्चर अपनाना, गर्ल्स को विडोरी मैरिज अलाउ करना और गर्ल्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना, ये सारी चीजें जो पहले नहीं होती थी वो पारसियन कम्युनिटी में बहुत ही स्पीडी से उसकी गतिविधि बढ़ने लगी ठीक है। के आर कामा एंड बहराम जी मालबारी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब वहां वहां दो लोग थे के आर कामा और बहराम जी मालबारी, जो ये दो लोग थे उन्होंने बहुत ही अपना खुद का कंट्रीब्यूशन दिया ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में अपनी पारसियन कम्युनिटी के लिए। पारसियन कम्युनिटी में दो लोग थे के आर कामा और बहराम जी मालबारी, जिन्होंने They made full efforts, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत की, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया अपने लाइफ के पार्ट का अपनी कम्युनिटी के लिए रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाने के लिए। कामा लेड एम्फेसाइज ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ एजुकेशन एंड मालबारी एम्फेसाइज ऑन वुमेन एम्पावर्ड। अभी के आर कामा ने क्या किया, उसने लोगों को समझाया कि भाई एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ इज द एजुकेशन, एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट कि उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ठीक है। अगर हमें ब्रिटिशर्स के सामने खड़े रहना है
हमें उनसे आजादी लेनी है, अगर ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों के सामने खड़े रहना है, तो सबसे पहले हमको इंग्लिश एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। तो के आर कामा ने क्या किया, लोगों को समझाया, उसने पूरा पूरा वजन एजुकेशन पे दिया है। और बहराम जी मालबारी जो है, उन्होंने किस बात पे वजन दिया, तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट, तो भाई गर्ल्स हैं उनको पढ़ने दो, अलाउ द गर्ल्स टू स्टडी, अलाउ द गर्ल्स टू गो आउट, विडो री मैरिज अलाउ करो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की है उस बहराम जी मालबारी जो है, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी आवाज उठाई, अपनी कम्युनिटी की बात, अपनी कम्युनिटी के लिए। ये सारी जो कम्युनिटी पढ़ रहे हैं ना, वो सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के कर रहे हैं अभी, तो दूसरी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्शियन कम्युनिटी के वुमेन्स एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात की गई है। दे ओपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज विडो री मैरिजेस। अब ये जो के आर कामा है और बहराम जी मालबारी है, वो दोनों ही खिलाफ थे, एक तो चाइल्ड मैरिज और दूसरा विडो री मैरिज के, कि भाई आप लोग बहुत ही छोटी उम्र में, हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो बहुत ही छोटे उम्र में बच्चों के मैरिज करवा देते हैं, और फिर अगर कुछ भी अनहोनी होती है किसी लेडी के साथ, अगर वो विडो बन जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको फिर से जिंदगी जीने का हक नहीं देते हैं, उसको फिर से आप मैरिज करना अलाउड नहीं करते हैं। तो ये दो बंदे जो थे, के आर कामा और बहराम जी मालबारी, वो इस प्रथा के खिलाफ थे। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मालबारी, अब बहराम जी मालबारी ने जितनी भी बिचारों ने मेहनत की थी, द गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ फिक्सिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इन 1891 CE। ठीक है, बहराम जी मालबारी ने इतने सारे एफर्ट डाले वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, विडो री मैरिज अलाउड मत अलाउड कर दो, विडो री मैरिज रेस्ट्रिक्शन मत करो। तो ये सारे जो मेहनत जिन जिन लोगों ने मेहनत की थी, तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया 1891 में, जिसमें उन्होंने मैरिज की एक एज फिक्स कर दी। अभी भी एज फिक्स है ना कि 21 के बाद ही मैरिज हो सकता है बॉयज के लिए, तो वो तब के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, तो छोटे छोटे बच्चों की भी मैरिज हो जाती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, एक लॉ बाहर पब्लिश किया, जिसमें नंबर ऑफ एज ऑफ ग्रुप ऑफ मैरिज लिखा हुआ था। तो ये जो लॉ पास हुआ वो कौन से ईयर में हुआ, 1891। ओके बॉयज, एनी डाउट? Boys, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. With this, we complete this lecture. Okay. अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, हमने जो जो पढ़ा रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स में, हमने लास्ट पैराग्राफ से पढ़ा, बट आपको इंट्रोडक्शन से पूरा चैप्टर एक बार फिर से अच्छी तरह से रीड करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। आई विल आस्क द क्वेश्चन टिल